Welcome back to FSA Entertainment. I am with Gurudev ji. Good evening, Gurudev ji. जी, good evening. Fahad भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, लेकिन आप खुश नहीं लग रहे हो एक टीवी रिपोर्टर का कवरेज देखकर. तो क्या है वो बताएंगे हम कि why Gurudev ji is not happy. पर उससे पहले Gurudev ji, I know this is not your horse. जी. लेकिन क्योंकि बहुत खूबसूरत हॉर्स है, इनके ओनर नहीं है जी. तो हम तो तारीफ तो कर ही सकते हैं जी. जी, तो आप बताइए घोड़े की तारीफ. जो अच्छा घोड़ा है फहद भाई, तारीफ करनी हमेशा बनती है. बिल्कुल. तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं घोड़े वाले जो अपने घोड़े को अच्छा बोलेंगे, दूसरे के घोड़े को अच्छा नहीं बोलेंगे. पता नहीं क्यों, मगर हम नई यूथ है, नई जनरेशन है, हम चाहेंगे जो चीज अच्छी अच्छी की अच्छी बात की जाए. ये मज्जू के लाइन का घोड़ा है, नाग घोड़े का बच्चा. नाग बहुत अच्छा घोड़ा था मज्जू के लाइन का, ये उसका बच्चा है. अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बोन साइज अच्छा है, पैर की सुम की क्वालिटी अच्छी है और बढ़िया घोड़ा. ओके, आपके तो पास भी घोड़ा है? मेरे पास भी है ना. ये है मज्जू के लाइन का जी, बहुत बढ़िया घोड़ा जी. कलर लाजवाब है जी. बाल जो है फ्रीजन जैसे है. इसके ना नाग घोड़े की खासियत है, नाग घोड़ा था ना जो, उसके जितने भी घोड़े तैयार हुए उसके बच्चे, आपको ऐसे बाल मिलेंगे. घुंघराले बाल, पूंछ के बाल भी आपको ऐसे मिलेंगे. एकदम टेल भी एकदम टच हो रही है ऑलमोस्ट ग्राउंड को, है ना. ऐसे ही पूंछ मिलेगी, ऐसे बाल मिलेंगे. नाग घोड़े के बच्चों की यही निशानी है. और ये जो है हर घोड़े में नहीं आता ना, इतना लंबा नेक. हाँ, इतना लंबा नेक अच्छा है, मजबूती अच्छी है, मजबूती अच्छी है. तो अपने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था कि आप खुश क्यों नहीं लग रहे हैं, तो आज एक टीवी रिपोर्टर आए थे, मैं अपने दोस्त की बच्ची के पास खड़ा था और आते ही वो एक ही क्वेश्चन पूछा. नॉर्मल इंसान है वो, घोड़े वाले नहीं थे. कहते आप इतनी कहाँ से हैं? पंजाब से. इतनी दूर से हैं, ये घोड़ी है किस नस्ल की है? मैंने बताया. कहते ये किस काम में यूज किए जाते हैं? हाँ. इनका काम क्या है? चुप. क्या बताऊं, काम है ही नहीं कोई. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम घोड़ों की ब्रीड कर रहे हैं. हमारे पंजाब में जितने फार्म हैं, हम ब्रीड कर रहे हैं घोड़ों. घोड़ा रख लिया एक स्टैलियन, उसको लिख के लगा दिया ये ओपन फॉर मेटिंग, क्रॉसिंग के लिए ओपन है. घोड़ियां मेट करवाइए जल्दी जल्दी, बच्चे पैदा करो, बेचें. खाली बच्चे बना के बच्चे बेचने से क्या होगा? लोग तो पैसा कमा रहे हैं, ब्रीडर ढेरों लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं जी. मगर क्वेश्चन जो आज बंदे ने मेरे को किया, इनका काम बताइए. मैं कहा शौक से रखा हुआ है. वो खुश होकर कहता ये कैसा काम है? शौक से रखा है, शौक से बेचेंगे, शौक से ब्रीडिंग करेंगे, बस यही बिजनेस है. पर घोड़े का जो असली काम था वो था राइडिंग. काम था भागना, सवार को बिठाना, चलना, ऊंची नीची जगह हर जगह काम करना. तो वो काम आज के लोग भूल चुके हैं. बहुत कम लोग हैं मेरी तरह जिनको राइडिंग का शौक है. वैसी जगह भी नहीं रही है ना खुली जगह, तो रही रही शहर बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, इमारतें बन गई, पक्के रोड बन गए. तो इसी के लिए आई थिंक एक शो ऑर्गेनाइज हो रहा है जी, अभी 4 बजे ना मेरे जी. जी जी, अभी 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 यहाँ अशोक पृथ्वी की शान जो ग्रुप है, उन्होंने अपने जो देसी घोड़े हैं, देखिये घोड़ा जो काम मैं बात कर रहा था, थोड़ा मैं जल्दी बोल देता हूँ कि जो इंग्लिश हॉर्सेज हैं, कोई भी ब्रीड है जो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश हॉर्सेज यूज होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि ब्रीडिंग के लिए या शौक के लिए, वो काम लेते हैं. उनको गेम में लगाया जाता है, रेस में लगाया जाता है, जंपिंग में लगाया जाता है. तो जो हमारे राइडर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, घोड़े के लिए भी अच्छा. तो हमारे यहाँ पंजाब में, मैं पंजाब से आया हूँ तो पंजाब की बात करूंगा, तो यहाँ ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है, राइडिंग पे कम ध्यान दिया जाता है. तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मारवाड़ी घोड़े हैं, देसी घोड़े, इनको प्रमोट किया जाए राइडिंग के पर्पज से, क्योंकि ये एक एंडोरेंस हॉर्स है. एंडोरेंस अच्छा है इनका, 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक इनको किया गया, मगर पंजाब में रेसेस बहुत कम हो रही हैं जो एंडोरेंस है. नहीं, मैं एक उनके तरफ से भी, ये तो वन साइडेड व्यू हो गया जी, है ना. उनकी तरफ से ये भी हो सकता है, भाई घोड़ा खरीदने में पैसे ही इतने लग जाते हैं, वो पैसे रिकवर कहाँ से करें? दैट इज द ओनली ऑप्शन, आप ब्रीडिंग करवाओ, पैसे रिकवर करो. नहीं, वो बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है, वो सब कर ही रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं. पंजाब में ऐसे ऐसे घोड़े हैं जो उन्होंने अपने घर में पैदा किए या खरीदे और तब वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए तक फीस आराम से ले रहे हैं. ठीक है, 75,000 भी है, 50 भी है, 1 लाख तक वो एक घोड़ी को क्रॉस करने का पैसा ले रहे हैं. वो तो बढ़िया चल रहा है बिजनेस, सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए के घोड़े भी खरीद लिए. पर घोड़े का जो काम था, मैं उसी पे आऊंगा वापिस, वो कहाँ है? तो मैं चाहता हूँ कि जो नई यूथ है, नई जनरेशन है, वो राइडिंग का शौक अपने अंदर डाले. हमारे एरिया में, पंजाब में, हर जगह इनके कॉम्पिटिशन होने चाहिए, गेम्स स्पोर्ट होनी चाहिए. okay. हमारे घोड़े को भी एंडोरेंस वाली गेम चाहिए, टेंट पैकिंग हो, शो जंपिंग हो, ड्रेसाज हो, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हो. तो अच्छा अगर काम मिलेगा तो ये घोड़े तो कभी मार्केट डाउन, मारवाड़ी घोड़े रहेंगे उसमें फिट नहीं. मारवाड़ी घोड़ों को थरो ब्रीड वाले तो अनफिट कर देते हैं. वैसे
कहते ये टाइमिंग खराब करते हैं, एनर्जी ज्यादा है, ये डिसिप्लिन खराब कर देते हैं, शो जंपिंग नहीं कर सकते। अच्छा। तो मेरे को उतनी नॉलेज अभी नहीं है, मैं सीखूंगा इसके बारे में, मैं भी कुछ नया वीडियो बनाऊंगा, कुछ सीनियर्स के पास बैठूंगा, मगर मैंने सुना है लोगों से। तो मैं चाहता हूँ कैसे भी करके, अगर जितनी पावर इनको भगवान ने दी है, गॉड ने दी है हमारे मजू के लाइन के हॉर्सेस को या देसी घोड़े को, तो वाकई में जितनी पावर है वो दिखानी तो चाहिए ना। अगर क्यों नहीं कर सकते, करने कर सकते हैं ये। मजू के लाइन के घोड़े में देखिए आप, मजबूती है, सब कुछ है, ये एंडोरेंस भी चलेगा, ये जंपिंग में भी चलेगा। जरूरत है इनको आगे लेके आने की स्पोर्ट के माध्यम से। जैसे हमारे घर में नए बच्चे हैं, तो जितने भी नए हमारे पंजाब के लोग हैं, मैं चाहता हूँ अपने एक एक बच्चे को एक देसी घोड़ा दे के गेम में उतारे। अच्छा। तो अगर रिंग हो रहा है, शो क्वालिटी के रिंग होते हैं बढ़िया बढ़िया यार, रिंग अभी भी होगा, सुबह शो होगा, उसमें खूबसूरती और ब्रीड दिखाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके साथ साथ घोड़े की एनर्जी जो है, जो काम है घोड़े का, भागना चलना, वो भी दिखाया जाए, वो भी दिखाया जाए, इनकी गेम दिखाई जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कानों कान है, खबर मैंने सुनी है कि अभी मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, सेल परचेज वाली खरीद अच्छी हो रही है, पर आने वाले साल डेढ़ साल में पंजाब में, इधर उधर इंडिया में मार्केट डाउन जाएगी। जो लोगों ने 5-5 लाख की घोड़ियाँ खरीद रखी हैं शौक से, अगर मार्केट डाउन होगी बेच नहीं पाएंगे। तो वो मार्केट डाउन ना हो, उसका रीज़न ये है कि अपने घोड़ों को बचा के रखें, इनको काम दिया जाए। अगर आप, बड़ी सोसाइटी काम में ला रहे हो, आपके पास एक नुकरा घोड़ा है जो बहुत ही सुंदर है, आप इतना जब बोलते हैं ना, आई मीन आप जब प्रीच कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी करना चाहिए जी। सो आप क्या कर रहे हो अपने घोड़े के साथ? अपने तरफ से, हाँ, मैं अभी तो उस घोड़े को लिया था मैंने सेल करने के लिए, सीधी बात तो मैंने लिया था। चलो फिर मेरा मन बना, अच्छा घोड़ा है, इसको ब्रीडिंग के लिए भी यूज करें, तो मैंने खुद एक दो घोड़ियां खरीदी हैं अपने फार्म पे, तो खुद ब्रीड करूंगा, खुद बच्चे लूंगा, अगर किसी को चाहिए तो वो भी ब्रीडिंग के लिए मेरा घोड़ा यूज कर सकते हैं। तो आप भी वही ब्रीडिंग की, तो मैं भी उसमें आ गया, क्योंकि पानी उस साइड बह रहा है, तो जिस साइड पानी बह रहा है एक बात तो मैं बहूंगा, मगर मैं एक नया फार्म बनाने वाला हूँ आपके, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, पर आपके चैनल से अनाउंस कर रहा हूँ, बहुत जल्दी एक फार्म बनाऊंगा, उस पर ब्रीडिंग भी करूंगा, मगर राइडिंग के लिए मैं स्पेशल स्कूल बना रहा हूँ अपने अमृतसर में। बहुत बढ़िया। तो उसमें थरो तो रहेंगे अगर कैसे भी लोगों को सीखना है, मगर मैं अपने देसी घोड़ों को इनको भी ला रहा हूँ धीरे धीरे राइडिंग में, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, अपने जो पुराने सीनियर्स हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं उनसे सीख के अपने मारवाड़ी घोड़ों को, नुकरों को गेम में लाऊंगा, जितना कर सकता हूँ करूंगा। Okay. पर लोगों को दिखाऊंगा कि आप इसको गेम में लेके आए, राइडिंग करें, और इसके भी कंपटीशन होने चाहिए हर जगह, शो जंपिंग भी, टेंट पैगिंग, डिसाज, एंडोरेंस, तो उससे क्या होगा, मार्केट डाउन नहीं होगी घोड़ों की, तो मारवाड़ी घोड़े भी पूरे वर्ल्ड में बिकेंगे और अच्छी कीमत में बिकेंगे अगर स्पोर्ट में लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस लाइट। जिसको इनको कॉन्टेक्ट करें, नॉट रिलेटेड टू द हॉर्स, आप इनका चैनल है गुरुदेव फोटोग्राफिक्स, और ये इनके ओनर का है। आपका नाम क्या है वैसे? मैं नाम, आप शर्मा मत, आप आइए, आप जी 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 जी, ये देखिए इनके ओनर मेरे पास नहीं थे मगर हम खड़े थे, अब इनका देख ले, क्या देख, ये पंजाबी में लिखा हुआ है एड्रेस सारा, आप पढ़ लीजिए, अच्छा सॉरी सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इटली वाले हैं, गुड़े गांव है, गुड़े, इसका नाम है इटली वाले स्टड फार्म है, इटली वाले स्टड फार्म। अरे ये इनको तो मेरे ख्याल से मैं जगराव में मैंने शूट किया था, जगराव में एकदम लास्ट कॉर्नर पे था। जी, अच्छा जी, ये जी, उनके घोड़े हैं, ओके ओके ओके, इनको तो मैं मिल चुका हूँ, शिवा इसका नाम है, ये तो नया लगता है, कोई उस टाइम पे तो नहीं था, शिवा इसका नाम है, गुड़े इज द नेम ऑफ द प्लेस इन पंजाब, गुड़े गांव, अच्छा अच्छा अच्छा, विलेज, शिवा इज शिवा साइड बाय नाग जी, देवली साइड बाय, व्हाट इज दिस देवली, ये दुरोना का बच्चा, ये दूसरा वाला कौन, किधर है, ये घर में, घर में, ये घर में दुरोना का बच्चा, ओके ओके, ये उतरेगा शो में, ये नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नुमाइश के लिए लाया हूं, बस दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, ब्रीडिंग पर्पस, अच्छी प्राइस देगा, हां हां, अच्छा मतलब वो सोच रहे हैं कि इसको सेल भी करेंगे, अगर इसकी बहुत अच्छे पैसे मिले तो दे भी देंगे, ओके ओके, ब्रीडिंग का कितना है इसका, 31,000 बस, 31,000 इन्होंने फीस रखी है, तो बहुत भाई बढ़िया बात, थोड़ी लेक्चर लंबा चौड़ा था, पर मेन मोटिव मेरा यही था कि घोड़ों को बस प्लीज गेम में जरूर लेके आए, तो हम आ रहे हैं अगले साल आपका फार्म कवर करने, जहाँ पे आप घोड़ों को काम में लाओगे, 3 मंथ तक मैं काफी कुछ कर लूंगा, 3 मंथ तक मेरे फार्म की स्टार्टिंग हो जाएगी, तो अमृतसर में, हाँ अमृतसर में, तो वेलकम है, आप आइए वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, और मैं जो करना चाहता हूँ अपने मारवाड़ी घोड़ों के लिए वो सब डिस्कस करेंगे, okay. तो प्लीज 2-3 मंथ में पहुंचिए और तैयारी शुरू, इंशाल्लाह एनीवे देर मागी के टाइम पे, हाँ जी हाँ जी, अमृतसर एयरपोर्ट पे उतर के आऊंगा, थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, फिर मिलिए मिलिए, पहले आइए मेरे पास आप, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।